शासित राज्यों में जिस तरह से बलात्कारियों को संरक्षण मिल रहा है, उस आग में आप की बेटियां ना चलें। इसलिए आवाज बुलंद करिए, आंख में आग डाक कर दिलिए और इन्हें कहिए अभी भी इस देश में आवाजें जिंदा हैं। उन्नाव की हमारी एक बेटी, विधायक हूं मैं, वो भी विधायक है उन्नाव का, भाजपा का विधायक है वो। हमारी एक नाबालिग बेटी को गरीबी का फायदा उठाते हुए उसकी नौकरी का लालच देकर उसे घर बुलाया और उस नाबालिग बेटी का बलात्कार करता रहा। उसका घर परिवार अकेले इस बात को उठाते रहे और हम तक, आप तक वो बात कभी पहुंच ही नहीं पाई, लेकिन पहुंची। 8 अप्रैल 2018 को पहुंची हम तक। बलात्कार कब हुआ था? 4 जून 2017 को, जो FIR वो बताती है नाबालिग बेटी के साथ भाजपा के विधायक, सम्मानित विधायक, अभी भी भाजपा के सम्मानित सदस्य हैं 2019 में भी। 4 जून को बेटी का बलात्कार हुआ, FIR में लिखा है, लेकिन न्याय नहीं मिला। 8 अप्रैल 2018 को लगभग एक साल बाद पिता न्याय मांगने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरवाजे पर जाते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है, उन्हें वहां से घसीट के थाने ले जाया जाता है। पिता की इतनी पिटाई की जाती है, हिरासत में इतनी पिटाई की जाती है कि बलात्कार की अपनी बेटी के लिए न्याय मांगने वाले पिता की मौत हो जाती है हिरासत में। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हो हंगामा होता है, आप और हम लोग सड़कों पर आते हैं, भाजपा के केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार को झुकना पड़ता है, FIR दर्ज करके कुलदीप सिंह सेंगर को जेल की सलाखों के पीछे भेजना पड़ता है। लगा कि अब न्याय हो जाएगा। एक पिता को अपनी बेटी को न्याय दिलाते दिलाने पर मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन लगा अब न्याय होगा। लेकिन फिर पता लगता है कि उसके चाचा को पूरे परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है कि केस वापस ले लिया जाए, लेकिन परिवार केस वापस नहीं लेता, चाचा पे झूठे आरोप लगाए जाते हैं और इस समय चाचा, पीड़ित का चाचा, बलात्कार की पीड़ित का चाचा जेल में है। और उसके बाद पता लगता है कि कल 28 जुलाई रविवार को एक ट्रक हादसे में चाची और मौसी रायबरेली जो जा रहे थे तारीख पर, उनका वकील और पीड़िता, उनका ट्रक के साथ एक्सीडेंट करवाया जाता है क्योंकि दबाव में नहीं आ रहे थे, केस वापस नहीं ले रहे थे, और पीड़िता की चाची और मौसी की हादसे में मौत हो गई है। ये 2019 है, कुलदीप सिंह सेंगर जेल में है। जेल में से कौन कौन मिलने गया, कब कब मिलने गया, ये आपको बताऊंगी, देखिएगा जरूर। चाची और मौसी की मौत हो जाती है, पीड़िता और उसका वकील गंभीर रूप से घायल इस समय लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। पूरा संरक्षण केंद्र की और उत्तर प्रदेश की सरकार का प्राप्त है, और किस किस का प्राप्त है वीडियो दिखा रही हूं, जरूर देखिएगा। जिन्हें आपने 2019 में दोबारा सांसद बनाकर वोट दिलाकर जिताया है, वो सांसद जिनका नाम है भगवाधारी है, भगवा पहनते हैं, सांसद हैं वो, कुलदीप सिंह सेंगर जो भाजपा के विधायक हैं, बलात्कार के आरोपियों ने जेल में मिलने जाते हैं, उनका धन्यवाद करने गए हैं। उनका कहना है कि जेल में बंद भाजपा के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की मदद के बिना साक्षी महाराज सांसद नहीं बन सकते थे। उन्होंने जेल में बैठे हुए साक्षी महाराज, भाजपा के जो सांसद चुनकर आए, उनकी मदद की और वो सांसद बनकर पहुंच गए, इसलिए जेल में एक बलात्कार के आरोपी भाजपा के विधायक का धन्यवाद करने पहुंच गए। अब आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं, कौन दोषी है, आप या हम जिन्होंने वोट दिया, या ये लोग, ये आप तय करिएगा। और चलिए बात करते हैं साक्षी महाराज की, जो हमेशा अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार फिर से वो विवादों में आ सकते हैं, क्योंकि आपको बताएं कि यहां पर साक्षी महाराज सामूहिक दुष्कर्म के साथ ही पीड़ित के पिता की हत्या के मामले में आरोपी विधायक से सीतापुर जेल में मुलाकात करने पहुंचे। खबर यह है कि दोनों के बीच काफी लंबी मुलाकात हुई है, जिसके बाद साक्षी महाराज ने कहा कि कुलदीप सेंगर हमारे यशस्वी और लोकप्रिय विधायक हैं और मैं उनका धन्यवाद करने आया था। हमारे यहाँ के बहुत ही यशस्वी लोकप्रिय विधायक कुलदीप सेंगर जी यहाँ काफी समय से हैं। चुनाव के बाद उनका धन्यवाद करना उचित समझा तुमने, आया तो ये लगता है मोदी जी भविष्यता है। और गठबंधन पे क्या कहेंगे, क्या ये लोग बोल रहे हैं कि उपचुनाव में अलग अलग लड़ेंगे?
इनके लिए एक बलात्कार का आरोपी जो जेल में है, जिसका धन्यवाद करना चाहे हैं, वो बहुत ही यशस्वी विधायक है। नाबालिग बेटी का बलात्कार है, पोक्सो के तहत इनके ऊपर मामले दर्ज हैं। ये भाजपा की सरकार से उम्मीद की जाती है, क्योंकि अधिकार दे दिया आपने उनको। हरियाणा की जेल में नाबालिग बेटी के बलात्कार में राम रहीम, बाबा राम रहीम कहते हैं, वो भी जेल गए, उम्र कैद हुई है, लेकिन हरियाणा की भाजपा की सरकार उन्हें खेती करने के लिए बेल देने जा रही है। हमने हक दिया है, 14 में वोट दिया था बेटी बचाओ के नारों के बाद, उसके बाद हमारे सामने आते हैं भाजपा के विधायक, बलात्कार करते हैं नाबालिग बेटियों का, और हम इन्हें दोबारा 19 में जिता कर भेज जाते हैं। इसका ये मतलब निकाला गया है कि हमने इन्हें लाइसेंस दे दिया है, हमने इन्हें दोबारा जिताकर दोबारा वोट देकर कुलदीप सिंह सेंगर जैसे को निर्दोष साबित कर दिया। वो तो बेफजूल के अब जेल में बैठे हुए हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि लोगों ने दोबारा से इन्हें जिता दिया है। लानत किस किस को देंगे, लानत किस किस को देंगे? माफी चाहूंगी, बुरा लगेगा जरूर। 2014 में 33% गंभीर अपराधी जिनके ऊपर आरोप थे बलात्कार के, आतंकवाद के, भ्रष्टाचार के, हत्याओं के, उन्हें सांसद बनाया था, और 2019 में कमी रह गई होगी पिछली बार 10% बढ़ाकर 43% गंभीर अपराधियों को अपना सांसद बनाकर देश और सदन संसद सौंप दिया है। अब क्यों है वो अल्लाह करते हैं, बैठिए ना आराम से, 5 साल भुगती है इन सबको, सत्ता का पूरा संरक्षण प्राप्त है। आप कौन है, गरीब आदमी, जेब में पैसा नहीं है, सत्ता नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास, कौन सुनेगा आपकी? यही तो होना था जो हुआ है। 17, 18, 19 में दोबारा उन्हीं की सरकार, जिनके विधायक बलात्कार करते हैं, उन्हीं का सांसद जीतता है, जेल में मिलने जाता है, तो और क्या होगा, यही तो होगा। मामले वापस अगर नहीं लेंगे इन सत्ता में बैठे भाजपा सांसद, बलात्कार की नाबालिग बेटियों के आरोपियों के खिलाफ वापस नहीं लेंगे तो यही तो होगा, मरवाएंगे नहीं तो क्या करेंगे आपको? आज इनकी बारी है, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे विधायकों ने कराया, कल आपकी भी बेटी हो सकती है। सोचिए, सत्ता है आपके पास, पैसा है आपके पास, आपके घर में कोई सांसद विधायक है? नहीं है तो तैयार रहिए, तैयार रहिए, अगला घर अगली बेटी आपकी भी हो सकती है। कोई कानून नहीं है इस देश में, कोई न्याय नहीं है इस देश में, चीखते चिल्लाते रह जाएंगे, कोई नहीं सुनने वाला है। बेटी बचाओ का नारा 14 का था, 19 का नहीं है। 14 में के बाद 17 में बलात्कार किया था कुलदीप सिंह सेंगर ने, नाबालिग बेटी का, जेल गया, लेकिन 19 में दोबारा सत्ता सौंपी है। शायद उनको लगने लग गया कि आपको इन नाबालिग बेटियों के बलात्कार मंजूर है, इसलिए इन्हें सत्ता से बेदखल करने के बजाय और बहुमत के साथ ताकत देकर आपने वापस भेज दिया है। पहले मेनका गांधी जी उत्तर प्रदेश से महिला बाल विकास मंत्री थी, कोई न्याय की आवाज नहीं उस बेटी तक मदद पहुंचाई। उसके बाद अब उत्तर प्रदेश से ही स्मृति ईरानी जी को महिला बाल विकास मंत्री मंत्रालय सौंप दिया गया है। लोकसभा की स्पीकर, स्पीकर जो उस पद पर आसीन है, जिसे मुझे नहीं लगता किसी की सहायता की भी जरूरत है, वो उस पद पर आसीन है, अगर आजम खान उनके खिलाफ कुछ बात बोलते हैं तो स्मृति ईरानी तुरंत आवाज उठाती है, पूरा सदन आवाज उठाता है। लेकिन हमारी उन्नाव की इस बेटी के साथ लगातार, उसका पिता मार डाला, उसकी मौसी, उसकी चाची मार डाली, उसका चाचा जेल में है, उसके वकील, और वो आज जिंदगी और मौत में से जूझ रही है, एक आवाज नहीं उठती, एक आवाज नहीं उठती। विधायक हूं मैं भी, जाइए अपनी प्रोफाइल, मेरी प्रोफाइल पर देखिए, विधायक को क्यों लोग चुनते हैं। एक भोपाल में भी चुनी है, आतंकी आरोपी है, 10 साल जेल काट के आई है, सांसद चुना है, लोग गए उनके पास विकास कार्यों को लेकर, बोला ये विकास कार्य करने नहीं आई हूं, जिस काम के लिए चुना है, जिस काम के लिए, कौन से काम के लिए, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, सांप्रदायिक दंगे, भगवाकरण, भड़काओ, लड़ाओ, कत्लेआम कराओ, सत्ता में बने रहने का यही एक इनका फार्मूला है, जिसपे हम सब ने ये दावा करते हैं भाजपा के लोग कि हाँ, पूरे देश ने मोहर लगाई है।
इन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो चुकी है, हमने मोहर लगा दी है कि इनके सांसद, इनके विधायक हमारी नाबालिग बेटियों के बलात्कार करते रहे, इस पे मोहर लगाइए, ये इनका मानना है। इसलिए मुझे लगता है खामोश हो जाइए और मुझे भी बोलने के लिए बार बार मत कहिए, मत कहिए। मैं तो ये भी सोच रही थी 19 कल के बाद अभी दिल्ली का चुनाव आ रहा है, लड़ूं या ना लड़ूं, क्योंकि हमारे जैसे पढ़े लिखे ईमानदार, दावा करती हूं ईमानदारी का चुनौती देकर, एक आरोप बता दीजिए, आपराधिक मामला हो भ्रष्टाचार का मामला हो, एक आरोप बता दीजिए, करोड़ों रुपए का फंड विकास पे लगाया, भ्रष्टाचार का आरोप लगा दीजिए। लेकिन लोगों को आज लगता है हमारे जैसे पढ़े लिखे ईमानदार संघर्ष करने वाले, लोगों की आवाज बुलंद करने वाले जनप्रतिनिधियों की कोई जरूरत नहीं है, ये 2019 के चुनावों ने साबित किया है कहीं ना कहीं। लोगों से जब मैं पूछती हूँ कि कैसे लोगों को आपने सांसद चुन लिया, कैसे लोगों को विधायक चुन लिया, बलात्कार के आरोप है उनके ऊपर, गंभीर आतंकवाद के आरोप है उनके ऊपर, हत्याओं के आरोप है, कैसे लोगों को चुन लिया, तो आप जवाब मिलता है हमने तो लहर में एक बटन लगातार दबा दिया, उन्हें सत्ता दे सौंप दिया, हमने तो अपने उम्मीदवार देखे ही नहीं, इसलिए पता ही नहीं चला कि कब हमने एक बलात्कार के आरोपी, आतंकी के आरोपी, हत्या के आरोपी, भ्रष्टाचारी का बटन दबा के उसे सांसद और देश सौंप दिया है। हमें पता ही नहीं चला क्योंकि हमने एक बड़ा नेता देखा था, हमने एक बड़ी पार्टी और चुनाव चिन्ह जो बड़ा नेता दिखा रहा था उस पर देखा, हमने तो देखा ही नहीं कि कब ये 43% बलात्कारी, हत्यारे, आतंकी, भ्रष्टाचारी सदन पहुंच गए। इसलिए लगता नहीं देश में हमारे जैसे लोगों की कतई भी इस लोकतंत्र में जरूरत है। ये लोकतंत्र का एक भद्दा मजाक है कि आज उन्नाव की एक गरीब बेटी, 2017-18-19 आ गया, उसे किसी तरह का संरक्षण नहीं मिल रहा, उल्टा जेल में जो बैठा है, ये जो भगवाधारी, क्या नाम है इसका, भगवाधारी जो आप, ये मैं आपको बता रही थी, साक्षी महाराज सांसद बनाया है, ये हमारी नाबालिग बेटी के बलात्कार जिसका हुआ है, जिसका पिता मौत घाट उतार दिया गया, जिसका चाचा जेल में है, जिसकी चाची और मौसी को मौत का घाट उतार दिया, जो जिंदगी और मौत की सांस आज लखनऊ में ले रहे हैं अस्पताल में, साक्षी महाराज उन्हें नहीं मिलने जा रहे हैं, उनका दर्द नहीं पूछने जा रहे हैं, उनको न्याय मिले इसकी चिंता नहीं है, ये साक्षी महाराज जेल में बंद उस बलात्कार के आरोपी को मिलने जाते हैं, जो भाजपा का आज भी भाजपा से निष्कासित नहीं किया गया है, उसे आज भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगी, भाजपा की महिला मंत्रियों से पूछना चाहूंगी। बलात्कार का आरोपी है, जेल में है, पीड़िता की बहन बता रही है कि ये हादसा नहीं है, ये साजिश के तहत मारने की एक थी कि सारे सबूत मिटा डालिए, खत्म कर दीजिए कि सबूत के अभाव में अदालत में सुनवाई जो है वो बंद हो जाए और बलात्कार का आरोपी भाजपा का सम्मानित विधायक रिहा हो जाए। सिर्फ उसे रिहा करने के लिए आज एक गरीब बेटी और उसके परिवार के पीछे जान हथोर कर पड़ चुके हैं। आवाज उठाइए, उठाइए आवाज, अदालतें बिक चुकी हैं, प्रशासन बिक चुका है, पुलिस बिक चुकी है, मीडिया बिक चुका है, ये सिर्फ सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप है जिस पे हम और आप बात कर पा रहे हैं, सीधे संवाद कर पा रहे हैं, अपने दिल का दर्द किसी की आवाज बनकर बोल पा रहे हैं, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है आप खामोश क्यों हैं, बोल के भी क्या कर लेंगे। बोला था 2017 में, देखिएगा 9 अप्रैल 2018 का मेरा वीडियो देखिएगा, थूका था इन लोगों के मुंह पर, जिनके मुंह पर थूका था आज वो और भी बहुमत से जीत कर सांसद विधायक बनकर संसद में पहुंच चुके हैं और जेल में बैठे कोई राम रहीम बलात्कार के आरोपी को मिलने जाते हैं, कोई आसाराम को मिलने जाते हैं जो बलात्कार बेटी, नाबालिग बेटियों के आरोपी हैं, और कोई कुलदीप सिंह सेंगर को मिलने जाते हैं। क्यों बाहर जो खुलेआम बलात्कारी घूम रहे हैं, जिनके जो हमारी बेटियों को नोच रहे हैं, उनके मन में कैसे डर आएगा, उन्हें तो संरक्षण मिल रहा है, सत्ता में बैठे हुए लोगों का पूरी तरह संरक्षण प्राप्त है, पुलिस भी डरती है इन लोगों से, नौकरी का खतरा है, तबादला ना कर दें पुलिस का, पोस्टिंग कहीं ना कर दें, क्योंकि अब तो गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री जिनके ऊपर खुद बहुत गंभीर आरोप है, जिनको खुद गुजरात के कोर्ट ने तड़ी पार करके गुजरात से ही बाहर कर दिया था, जेल में रहे थे, आज वो देश के गृह मंत्री हैं। थाने में एक छोटा मोटा गुंडा भी
जिसकी तस्वीर आज के देश के गृह मंत्री के साथ है, वो थानेदार SHO को जाकर धमका के आ जाता है कि देखो देश के गृह मंत्री के साथ तस्वीर है, हमारा नेता है वो, अगर हमारी नहीं सुनोगे थानों में तो तुम्हारा तबादला करा दिया जाएगा, तुम्हें निष्कासित करा दिया जाएगा। इसलिए पुलिस कानून की रखवाली नहीं कर रही, सत्ता में बैठे जो लोग हैं उनके गुंडों की रखवाली कर रही है, उन्हें संरक्षण दे रही है। इसलिए अपराधी इस जंगल राज में घूम रहा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, सारे उदाहरण आपके सामने दे दिए। 5 साल भुगती है इनको, सिर्फ शुभकामनाएं दे सकती हूँ, भगवान से दुआ प्रार्थना कर सकती हूँ कि इस देश की हमारी बेटियों को सत्ता में बैठे इन सत्ता के दलालों से, बलात्कारियों को जो जेल में मिलने जाते हैं, भगवादारी साक्षी महाराज होंगे किसी के लिए महाराज, लेकिन आप जब एक बलात्कार के आरोपी को जेल में मिलने जाते अपने सांसद बनने के तुरंत बाद उसे धन्यवाद देने, तो लानत देती हूं आपको भी और जिन्होंने आपको वोट देकर चुना है। अब जितना मर्जी कहिएगा, लोकतंत्र में मतदाताओं को गाली दे रहे हैं, ऐसे मतदाताओं को लानत है जिन्होंने ऐसे आदमी को चुनकर सांसद बनाया है जो हमारी नाबालिग बेटी के बलात्कार के आरोपी को जेल में मिलने जाते हैं। लानत है ऐसे लोगों को जिन्होंने ऐसे विधायक और ऐसे सांसद बनाए, बिल्कुल ऐसे नेताओं को, ऐसे सत्ता में आए उत्तर प्रदेश और देश के जो दलाल बैठे उनको सबको लानत है। धिक्कार है ऐसे लोकतंत्र पे जो ऐसे लोगों को आपने चुना है, भुगतना हमें और उनको पड़ रहा है जिन्होंने शायद इन्हें अपना वोट देकर नहीं चुना है। पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है क्योंकि सत्ता दे दी आपने इनके हाथ में, देश दे दिया, कलम दे दी, और उसके दम पर आज ये सत्ता का नंगा नाच कर रहे हैं। डरती नहीं हूं किसी से, जिंदगी 2 दिन की है, आज नहीं तो कल चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। अमर होने के लिए कोई नहीं आया, बड़े बड़े महान चले गए यहां से, कोई नहीं रहा जो सत्ता में आज बैठा, उससे पहले कोई और था, आज कोई और है, कल कोई और आएगा। 2 दिन की जिंदगी है, ईमानदारी से अपना फर्ज और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और गरीब शोषित पीड़ित इस तरह के असहाय लोगों की आवाज बनकर गूंजती रहूंगी। 2 दिन की जिंदगी है, कल जाना है आज सही। लेकिन आपसे कहूंगी, इस वीडियो को इसलिए शेयर करिएगा, इन सत्ता के दलालों को समझ आ जाए, साक्षी महाराज जैसे सांसदों को समझ आ जाए, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे भाजपा के विधायक बलात्कार के आरोपियों को समझ आ जाए, हरियाणा की जेल में बैठे बलात्कार के आरोपी राम रहीम को समझ आ जाए, बलात्कार के आरोपी आसाराम को समझ आ जाए, और इनकी दलाली करने वालों को समझ आ जाए कि अभी भी इस देश में कुछ लोग जिंदा हैं जो खामोश नहीं रहेंगे। जब तक आप में दम नहीं है उन्हें खामोश करने का, तब तक ये गूंजती रहेगी आवाज और ताकत देते रहेंगे। शेयर करिएगा मेरे इस वीडियो को, डरती नहीं हूं, ज्यादा से ज्यादा फैलना चाहिए, देखूंगी कितनी धमकियां आती हैं और कितनी मेरी आवाज को खामोश किया जाता है, खून खौलता है, मैं बता रही हूं। एक बेटे हैं, मैं कह रही हूं आपकी, आप अगर भाई हैं और पिता हैं, अगर आपकी घर में बहन है और अगर आपकी बेटी है, आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि कल ऐसा ना हो आपकी बेटी और आपकी बहन को उत्तर प्रदेश में या भाजपा शासित राज्यों में जिस तरह से बलात्कारियों को संरक्षण मिल रहा है, उस आग में आप कि बेटियां ना चलें। इसलिए आवाज बुलंद करिए, आंख में आग डाक कर दे लिए और इन्हें कहिए अभी भी इस देश में आवाजें जिंदा हैं। मैं लखनऊ के ट्रोमा सेंटर में बलात्कार की हमारी पीड़ित बेटी जिसके ट्रक हादसे में, जिसके ट्रक का नंबर भी छुपा दिया गया था, उसके बाद ये बड़ा हादसा होता है, जिंदगी और मौत की सांस ले रही है उनका वकील। सलाम करती हूँ ऐसे वकील को जिसने इस बेटी का केस लड़ने की ठानी, और इस बेटी के लिए देश को कहूँगी सब लोग दुआएं करें कि वो हमारी बेटी जिंदा रह सके, उसका वकील भी जिंदा रह सके, ताकि इस लड़ाई को मजबूती से आगे ले जाया जाए और अंजाम तक पहुँचाया जाए और कुलदीप सिंह सेंगर जैसे को फांसी के तख्तों पर पहुँचाया जा सके, जैसे आज उम्र कैद की सजा काट रहे राम रहीम और आसाराम जेल में हैं, उसी तरह उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि वो ठीक होकर आए। डर सिर्फ इसी बात का है कि अगर उन्हें कुछ हो गया, सारे सबूत खत्म हो जाएंगे, केस बंद हो जाएगा, लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, जय हिंद।